दर्शक गण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त को समाधि देने वाला, चित्त में प्रसन्नता पैदा करने वाला, शरीर के रोम रोम में आनंद भरने वाला और भीतर और बाहर के दोनों ही संसार का सामंजस्य करने वाला, लौकिक जगत और पारलौकिक जगत की बातें करने वाला, सामंजस्य बिठाने वाला और सहनशीलता बढ़ाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय गहराई लिए होता है, हर विषय शोध परक होता है, हर विषय के अंदर कुछ न कुछ इंसान को बदलने की क्षमता है, पोटेंशियलिटी है और उसमें योग्यता है। इसी क्रम में आज का हमारा विषय है, बहुत बड़ा चरित्र से जुड़ा हुआ विषय है। आज का हमारा विषय है चरित्र निर्माण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, आत्मवादी संस्कृति है, गुणों की संस्कृति है, मूल्यों की संस्कृति है। इसीलिए भारत को धर्म गुरु देश कहा जाता है। भारत ने हमेशा हमेशा जब विश्व के अंदर जब कोई भी दिक्कत आई है, चाहे युद्ध की स्थिति आई है, चाहे शांति आई है, अमन चैन बनाने के लिए अपनी बहुत बड़ी अहम भूमिका बनाई है और अहम भूमिका के अंदर पंचशील, अहिंसा, योग ऐसे विषयों के माध्यम से उन्होंने विश्व को बताया कि मानव जाति एक है, सारा वसुधैव कुटुंबकम है और सभी हम एक ईश्वर की संतान है। इसका कारण यह है कि हमारी संस्कृति के अंदर चरित्र को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, ईश्वर को स्थान दिया गया है, अध्यात्म को स्थान दिया गया है। हम केवल भौतिक जगत की बात नहीं करते हैं, भौतिक जगत के साथ साथ में आध्यात्मिक जगत को भी रखते हैं और दोनों जगत का हम संतुलन बिठाते हैं। व्यवहार में भी हम कुशल हैं और साथ साथ में अंतर का जो हमारा आलोक है, भीतर का जगत है, उसमें भी हम गोते लगाते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और इस चराचर जगत को बनाने वाली हमारी जो प्रकृति माँ है उसके प्रति हम समर्पित रहते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, उसकी हम गोद के अंदर रहते हैं और उसके नियमों की अवहेलना नहीं करते हैं, प्राकृतिक जीवन जीते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट एंड इफ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। करेक्टर को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है कि चरित्र के अंदर कोई दाग है वह व्यक्ति पूजनीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, उस व्यक्ति की निंदा की जाती है, उस व्यक्ति को समाज में कोई स्थान नहीं मिलता है और सबसे ऊंचा स्थान चरित्र को दिया जाता है। हमारे पुराने इतिहास को उठा करके देखें, हम महाभारत और रामायण को उठा करके देखें और वहाँ पर जो वशिष्ठ जैसे जो है गुरु हुआ करते थे राम के और दशरथ के, तो वो गुरु जो है उनका स्थान जो है राजा से ऊपर रहता था क्योंकि वो सन्यासी थे, उनका चरित्र सबसे ऊंचा होता था, वे परमात्मा के रूप होते थे, वह कंचन कामिनी के त्यागी होते थे, इसीलिए उनकी हर बात की तवज्जा दी जाती थी और कोई भी ऐसा महनीय विषय होता था जिसके ऊपर की क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करनी होती थी उसमें गुरु की आज्ञा ली जाती थी, उसमें गुरु का परामर्श लिया जाता था, गुरु का आशीर्वाद लिया जाता था और गुरु की आज्ञा को शिरोधारी किया जाता था। क्यों? कि वो चरित्रवान व्यक्ति थे। आज हम चुनाव की पद्धति को देखें कि भारत जो है एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, विश्व की 20% की आबादी हम खुद है, यानी विश्व का हर पांचवा व्यक्ति वो भारतीय है। उतने बड़े लोकतंत्र के अंदर जो हमारे जो सीटों का चयन किया जाता है, जो टिकट दिया जाता है चरित्रवान व्यक्ति को दिया जाता है और समाज के अंदर किसी व्यक्ति को आगे लाया जाता है, किसी का सम्मान किया जाता है, उसके अंदर सरकार सबसे पहले ये देखती है ये व्यक्ति चरित्र हनन वाला तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है, इस पर कोई अपराध के केस तो नहीं है और इसके अंदर किसी तरह का दाग तो नहीं है, इसकी छवि अस्वच्छ तो नहीं है, स्वच्छ छवि वाले को स्थान दिया जाता है। कहीं भी बात करें, देखिए
हम स्कूल के अंदर जब पढ़ते थे हमें करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था, बिना करेक्टर सर्टिफिकेट के आगे एडमिशन कॉलेज में नहीं होता था। आज भी यह प्रथा है कि व्यक्ति ने ज्ञान तो बहुत कर लिया, ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञानी से आगे जाकर के जो विद्वान होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानी होना बड़ी बात होती है। विद्वान तो पढ़ करके कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष वह होता है जो चरित्रवान होता है। ज्ञानी पुरुष होता है, पंडित होता है, वह कभी चरित्र का हनन नहीं करता, वह चरित्र पर दाग नहीं लगाता, अपनी चादर को हमेशा उज्जवल रखता है, हर वक्त चिंतन करता है कि मेरी इस चादर की भी सफेद चादर के ऊपर किसी का दाग न लगे, चरित्रहीनता का दाग न लगे। आज हम देखें तो हम जो सिनेरियो को देखें तो आज हमारे सबसे धार्मिक कहे जाने बड़े बड़े बाबा लोग जो कि करोड़पति है, अरबपति है, और कई तो बाबा लोग कंचन कामिनी भी रखते हैं और करोड़ों की उनकी जायदाद है, उनके बड़ा बैंक बैलेंस है, वो मठाधीश है, और वह चरित्र हनन का, रेप का वगैरह ऐसे घृणित कार्य करते हैं, तो घृणित कार्य करने के बाद के अंदर वो समाज की नज़र से गिर जाते हैं और उनको जेल जेल के सलीकों के पीछे रहना पड़ता है। ऐसे बहुत से बाबा है, किन किन किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो कि आज की वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चरित्रहीनता का कार्य किया। इसलिए जो व्यक्ति उच्च पद पर जाता है, उच्च बनता है और जिसको सम्माननीय बनता है, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे करैक्टर पे, मेरे चरित्र पे कोई तरह का दाग न लगे। अब देखते हैं चरित्रहीनता किस प्रकार होती है, कितने तरीके होती है। एक तो चरित्रहीनता होती है कि किसी भी नर का मादा से जो है अनर्गल व्यवहार होना। सौदार संतोष की हमारे यहाँ व्यवस्था है, अगर कोई वस्ती गृहस्थी है तो वह व्यक्ति एक पत्नी रख सकता है, उसी का नाम विवाह है और उसी का नाम परिवार है, उसके साथ में सौदार संतोष करे कि एक पत्नी अपने पति के साथ में और एक पति अपने पत्नी पत्नी के साथ के अंदर जो भी उसकी काम की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति करे और विश्व की समस्त नारियों को अपनी बेटी, बहन, माता, दादी, नानी के रूप में देखे और उसके रूप में उसका सम्मान करे। यह होता है चरित्र का एक अंग, चरित्र का एक घटक। दूसरा चरित्र का जो मुख्य अंग है, ईमानदारी। व्यक्ति अगर सरकार के अंदर है, मिनिस्टर के अंदर, वो घोटाले करता है तो ये चरित्रहीनता का बड़ा जो लक्षण है। कोई बड़ा अफसर है, वो घूस लेता है, दो नंबर की कमाई करता है, ये चरित्रहीनता है। कोई ठेकेदार है, पैसे देकर के या पैसे लेकर के वो काम खराब करता है, पुल गिरा देता है, सड़क खराब कर देता है, बेईमानी करता है, ये सब चरित्रहीनता के लक्षण हैं। और उसके बाद के अंदर ऐसा व्यक्ति जो हमेशा घृणित होता है, वो समाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, केवल अपने एक व्यक्ति और कुछ ही लोगों के स्वार्थ के लिए हमारा समाज बदनाम होता है और कितने लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। देखिए, एक ठेकेदार और इंजीनियर है, दोनों ने साठ गांठ करके, चरित्रहीनता करके, बेईमानी करके कोई भी पुल बनाया और आने वाले समय में पुल ढह जाता है तो कितने लोगों का जो कहना हादसा होता है, कितने लोगों को दहशत होती है, कितने लोगों को परेशानी होती है। लाभान्वित तो ये दो लोग हुए या दो परिवार हुए, लेकिन कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोगों को तकलीफ हुई, ये सोचने की बात होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने चरित्र को, अपने देश का चरित्र मानना चाहिए। एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि कनाडा के अंदर एक भारत का जो है व्यक्ति गया, जो कि गायों की देख रेख करने वाला था और वो डेयरी के अंदर उसने नौकरी करी, तो वहाँ कनाडा की डेयरी, कनाडा में गायें बहुत है, वहाँ पर दूध का बड़ा कार्य होता है, तो उसने कनाडा के अंदर जो डेयरी का मालिक था, उसने जो भारतीय जो सारी देख रेख मैनेजर था उसको बोला कि क्या बात है, इन दिनों के अंदर हमारे लॉस चल रहा है और हमें जितनी लागत है उतनी भी नहीं आ रही है। तो भारतीय ने क्या कहा कि आप थोड़ा दूध में पानी मिला लीजिए। तुरंत उसने जो है कनाडा के जो व्यक्ति ने वो पिस्तौल की तरफ तानी कि आइंदा से ऐसा शब्द बोलना मत बोलना, लेकिन अगर बोलोगे तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य है, मेरा कोई भी नुकसान है वो देश के स्वास्थ्य से जो है वो नुकसान बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा मेरे देश के लोगों का स्वास्थ्य, देशभक्ति की बात होती है।
जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं वो देशभक्ति करते हैं, वो समाज के सच्चे सेवक होते हैं और सही अर्थों के अंदर वो लोग पूजनीय होते हैं। ये बात अवश्य है कि व्यक्ति को जो है वो सच्चा काम करने में, जो कोई सत्यवादी व्यक्ति है उसको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। कई अभी हम देखिए कि आज विश्व के अंदर, आज हिंदुस्तान के अंदर सत्यवादिता के नाम पर राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है, तो हरिश्चंद्र का परीक्षा लेने के लिए परशुराम जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे कोई न कोई वरदान दो, मुझे कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा दो। उन्होंने कहा गुरुदेव आप जो चाहें जो मैं देने को तैयार हूं। परीक्षा लेने के उसने कहा तुम्हारा सारा राजपाट मेरे को दे दो, और क्योंकि जो है वो महापुरुष होते हैं, राजा लोग होते हैं, उनकी बात का सवाल होता है, उनकी मूंछ का सवाल होता है और वो अपनी बात के धनी होते हैं। उन्होंने अपना सारा राजपाट परशुराम जी को दे दिया और वो जो उनकी पत्नी तारा और वो उनका एक पुत्र है, तीनों जो है नौकरी करने के लिए चले गए। तो तारा ने तो किसी के घर के अंदर सफाई जो है वगैरह कपड़े धोने का कार्य किया और एक नीच के घर पानी भरने का कार्य जो है एक चंडाल के घर जो है स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने किया। तो अब क्या होता है, देख परशुराम जी और परीक्षा लेते हैं कि कई वर्षों तक जो है चंडाल के यहाँ उन्होंने ये अपना कार्य किया और उधर तारा रानी के पुत्र की मृत्यु हो जाती परीक्षा लेने के लिए। जो तारा क्योंकि कपड़े धोने वाली साधारण जो है एक श्रमिका के रूप में थी, तो उसके पास के अंदर कफन देने के लिए भी पैसा नहीं था, तो अपने पुत्र को शमशान लेके गई। तो वहां पर चंडाल ने ड्यूटी लगा रखी थी राजा हरिश्चंद्र की कि तुम शमशान की रक्षा करो और बिना किसी को कफन लिए किसी को भी यहां पर मुर्दा जलाने की जो है तुम्हें इजाजत नहीं है। तो उन्होंने तारा से जो है उसका कफन मांगा, तारा के पास कुछ नहीं था, तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ करके चीर करके उसको कफन बना करके दिया। उसके बाद के अंदर जो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और उनको पूरा राज्य जो है लौटा दिया गया और आज जो है वो राजा हरिश्चंद्र के नाम की कई युग बीत गए लेकिन शपथ की खाई जाती है, क्योंकि उन्होंने जो सत्य को निभाया, सत्य के रास्ते पर चले, कठिनाई बहुत प्राप्त की लेकिन उनका नाम अजर अमर हो गया। जो लोग चरित्रहीन होते हैं वो लोग तात्कालिक तो फायदा उठा लेते हैं पर तो उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं, बाद के समय के अंदर उनको घृणित होना पड़ता है, उनको जेल के अंदर भी जो जाना घट्टी पीसना पड़ता है और कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अब प्रश्न होता है भाई और बहनों, चरित्रहीनता के और कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि मिलावट करते हैं, कुछ लोग दवाइयों में मिलावट करते हैं, मसालों में मिलावट करते हैं, तेल में और घी में मिलावट करते हैं, खाने पीने की चीजों के अंदर मिलावट करते हैं, वो कुठाराघात करते हैं व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ में, वो बहुत बड़ा धोखा करते हैं। ऐसे धोखा वाले लोग भी ये चरित्रहीन व्यक्ति कहलाते हैं। इसी तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं कि वो डुप्लीकेट चीज बेचते हैं, ओरिजिनल की जगह हूबहू बना करके जो है वो डुप्लीकेट बेचते हैं, वो ज्यादा दिन चलती नहीं है, ये भी एक चरित्रहीनता का कार्य है। और जो बड़े बड़े मिनिस्टर बनते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर आते हैं, तो वो घूस लेकर के और किसी व्यक्ति का जो है वो गलत कार्य भी कर डालते हैं, तो ये भी एक चरित्रहीनता कार्य। ऐसे चरित्रहीनता के बहुत से जो है उदाहरण हो सकते हैं, घटक हो सकते हैं, उसके कंपोनेंट हो सकते हैं। चरित्र एक्चुअली वास्तव के अंदर समाज ने जिन चीज़ों के एथिक्स बनाई है, समाज ने जिसके नियम बनाए, कानून बनाए, कायदे बनाए, रूल्स बनाए हैं, उनके विरुद्ध जाना है वो अनैतिक है, वो सारी चरित्रहीनता के भीतर आता है। तो भाई और बहनों आज का हम सिनेरियो देखें, आज व्यक्ति जो है वो सारा लोभ और लालच में आ गया है। आज समाज के अंदर मापदंड ये बना गया है कि इन प्रकार हमारे पास में धन होना चाहिए, धन को ही एक जो है वो अच्छे स्टेटस का जो है सिंबल मान लिया गया है और अपने आप को अहंकार की तुष्टि जो है धन के द्वारा व्यक्ति करता है। इसलिए व्यक्ति एन के एन प्रकार एन धन संग्रह करता है, अपना बंगला, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड, खर्चा वगैरह सब चीजें जो है मेंटेन वो करता है, क्योंकि पैसे बिना सारी चीजें मेंटेन नहीं हो सकती है। तो ऐसा कार्य इसीलिए हो रहा है कि समाज ने जो ये सिंबल बनाया है, ये स्टेटस बनाया, ये गलत है।
उसकी जगह पुराने जमाने के अंदर स्टेटस ये था कि जो ईमानदार है, जो चरित्रवान व्यक्ति है, जो कि ईश्वर भक्ति करता है और लोगों का परोपकार करता है, लोगों की भलाई करता है, सेवा का कार्य करता है, वह व्यक्ति चरित्रवान व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जाता था, ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जाता था और ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मुख्य मुख्य पद होते थे, सरकार में ऐसे ऐसे पद होते थे, चरित्रवान लोगों को दिए जाते थे, उससे फायदे बहुत होते थे। जो व्यक्ति चरित्रवान होता था वो किसी तरह की न तो घूस लेता है, न घूस लेने के लिए किसी को लेने देता है। उससे क्या है कि ये घूसखोरी या दो नंबर का काम और ये जितने घोटाले हैं ये नहीं हो पाते हैं, ये इसका सबसे बड़ा जो है अच्छा इफेक्ट आता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम ये आज की एपिसोड से बताना चाहते हैं कि चरित्र निर्माण के अंदर हमारे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है और ये चरित्र निर्माण के अंदर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होनी चाहिए। मनुष्य को ज़्यादा आकांक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए, मनुष्य को ज़्यादा आवश्यकताएँ नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा आवश्यकताएँ बनने होने के कारण के अंदर जो है लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत हाई बनाने कारण में और प्रतिस्पर्धा के अंदर कि मेरे पड़ोसी के पास के अंदर बहुत बड़ा मकान, उससे मैं बड़ा बनाऊँ, या पड़ोसी इस तरीके से लेविशली जीवन जीता है, मैं भी ऐसा जीवन जिए, प्रतिस्पर्धा जो है ये व्यक्ति को जो है चरित्रहीनता के बेईमानी के कार्य करने के लिए बाध्य करता है। तो व्यक्ति को जो अगर अच्छा बनना है तो अपनी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की थ्योरी रखनी चाहिए और व्यक्ति को अपने शरीर से श्रम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमशील बनना चाहिए, आवश्यकताएं बहुत कम से कम रखनी चाहिए। हमारी मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, उसकी हमें व्यवस्था उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसी की पूर्ति के बाद के अंदर जो है हमें संतुष्टि कर लेनी चाहिए और हमारा परिवार है, चाहे दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, उन बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाना चाहिए कि जो हमारा जो अर्निंग है, हमारी जो कुल मिला के जो आजीविका है, उसके भीतर भीतर कार्य चलाना है, उसके अंदर एक पति के साथ में पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, उसके ध्यान में होना चाहिए कि मेरा पति महीने के 10,000 कमाता है तो 7,000 में 8,000 में घर का खर्च चलाए, सब मिला करके शिक्षा समेत, और कुछ बचत करे, क्योंकि अगला समय कैसे आने वाला है, बच्चों को आगे पढ़ाना है, बीमारी का भी ध्यान देना है, बच्चों का शादी करनी होती है, मकान होता है, गृहस्थी के कई काम होता है, उसके लिए बचत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही बचत जो है आगे जाके बड़ी होती है और वो एमरजेंसी के अंदर काम आती है। इस तरीके से हमें अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहिए। लाइफ को डिजाइन करने के लिए हमारा जो अर्निंग सोर्स है उसको मध्य रखना चाहिए। अर्निंग सोर्स जरूर होनी चाहिए। हमारी पुरुष प्रधान संस्कृति, पुरुष का कार्य यह है कि वो अर्निंग की तरफ ध्यान दे और स्त्री का कार्य होता घर गृहस्थी को देखे, बाल बच्चों को देखे और अपने घर को संभाले। ये हमारे विभाग किए गए हैं भारतीय संस्कृति के अंदर, जो है नर और मादा के जो कार्य का विभाग किया गया है वो आज भी चल रहा है और उसके अंदर एक दूसरे को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का हित करना चाहिए कि मनुष्य के कार्यों में यानी नर के कार्यों के अंदर मादा को यानी स्त्री को जो है डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए और उसी तरीके से पुरुष को भी स्त्री के या पत्नी के कार्यों में डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए। इससे गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलती है, उसका सम्मान अच्छा होता है और दोनों के सामंजस्य गृहस्थी अच्छी होती है और इसके अंदर कुल मिला के व्यक्ति चरित्रवान हो जाता है। चरित्र व्यक्ति चरित्र से गिरता किस लिए है कि देखिए उसकी पत्नी है, रोज रोज नई डिमांड करती है, मुझे तो इतनी महंगी साड़ी चाहिए, मुझे वो ज्वेलरी चाहिए और मैं ऐसे जो है उस मकान के अंदर साधारण मकान में नहीं रह सकती, मेरी जो बड़ी सहेली है वो बड़े कोठी के अंदर रहती है, उसके पास में इतनी बड़ी गाड़ी है और मेरे पास तो बहुत पुरानी गाड़ी है। तो इस तरीके की जो आकांक्षाएं हैं इसको स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और इस पूरे परिवार को इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। ये अपनी आकांक्षाओं को, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना, ये चरित्रहीनता, उससे चरित्रहीनता होती है और व्यक्ति बड़ा संकट के अंदर आ जाता है, वो कष्ट के अंदर फंस जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का एपिसोड बहुत ही सुंदर है कि हमें हर क्षेत्र के अंदर चरित्र का निर्माण
निर्माण करना चाहिए और अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी जो है अपने समाज में जितने भी समय जिए, हम 50 साल जिए, 70 साल जिए, जितने समय के अंदर हम वर्किंग अच्छी पोजीशन में रहें, तो हमेशा अपनी छवि को अच्छा बनाए रखना चाहिए। और छवि अच्छी बनेगी कब, जब व्यक्ति चरित्र का धनी होता है। और चरित्र के धनी व्यक्ति को जो है कोई व्यक्ति कोस नहीं सकता, कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता, उसको घूसखोर नहीं बना सकता, क्योंकि उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। प्रतिदिन हम नए नए एपिसोड बहुत सुंदर विषय जो है वो आपको देते रहेंगे, और आप रेगुलर इसको देखेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, और हम नए नए विषय, नए नए तरीके से मल्टी डायमेंशनल विषय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपके परिवर्तन आएगा, आप में सुधार होगा, और पुनरुत्थान कार्यक्रम की तरफ से आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, आग प्रति मंगल भाव।